तो बच्चों अभी हम पढ़ने वाले हैं वंडरवाल्स गैस इक्वेशन। मुझे एक बात बताना जरा, ये पीवी इज इक्वल्स टू एनआरटी होता है ना, हम लोग पढ़ते आ रहे हैं इस चैप्टर के स्टार्टिंग से, लेकिन ये किसके लिए वैलिड है? तुम बोलोगे सर ये तो वैलिड है आइडियल गैस के लिए। ये किसके लिए वैलिड है? ये है आइडियल गैस के लिए वैलिड, करेक्ट? बोलोगे हाँ, लेकिन ये आइडियल गैस इक्वेशन है। ये क्या है? आइडियल गैस इक्वेशन, बट कितने मोल के लिए? एन मोल के लिए। आइडियल गैस इक्वेशन फॉर एन मोल, देखो ना मोल यहाँ पे एन है, फॉर एन मोल ऑफ गैस। बोलो योगेश, सही है ना? तो ये आइडियल गैस अच्छा इक्वेशन हम कौन कौन से अजम्पशंस को लेके चलते थे? तुम बोलोगे सर वहां पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ भी काम नहीं करता था, यानी नेट फोर्स वहां पे कितना रहता था किसी भी वक्त पार्टिकल्स के बीच में? जीरो, करेक्ट? बोलो क्या ये सही है? मृणाली है ना, तो यस ये ऐसा सर था। लेकिन अगर मैं बात करूं रियल गैस का, इन केस ऑफ रियल गैस, क्या इन केस ऑफ रियल गैस में फोर्स जीरो होगा? सोचो और बताओ, इन केस ऑफ रियल गैस क्या ये फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो होगा? जीरो नहीं होगा, क्योंकि नो यहाँ पे अट्रैक्शन हो सकता है या तो रिपल्सन हो सकता है। अब मुझे एक चीज सोच के बताना तुम लोग, ठीक है, कि अगर अट्रैक्शन हुआ, यस बच्चों, जैसे ही पढ़ाने बैठते हैं कोई ना कोई मोहल्ले से निकल जाता है, इससे पहले तक कोई नहीं था, और खून जलाने के लिए। देखो मैं बोल रहा हूं, पार्टिकल में अगर अट्रैक्शन हुआ, मुझे बताना अगर पार्टिकल के बीच में अट्रैक्शन हो रहा है तो किस चीज के ऊपर असर पड़ेगा? सोचो और बताओ, पी वी एन टी किसके ऊपर पड़ने वाला है सर? बताओ तो जरा। वॉल्यूम वॉल्यूम, वेरी गुड। किसके ऊपर मृणाली? वॉल्यूम वॉल्यूम। और मुझे ये बताओ, बॉयल्स लॉ के थ्रू हम जानते हैं कि अगर वॉल्यूम के ऊपर कोई चीज असर दे रहा है तो वो प्रेशर के ऊपर भी असर डालेगा। तुम बोलोगे ये कैसे हो सकता है? अभी बताएंगे, अभी बताया जाएगा, ठीक है? अब अभी तुरंत बताते हैं। अभी मुझे ये बताओ, अगर रिपल्सन काम कर रहा है, रिपल्सिव फोर्स, ममता यू आर हैबिचुअल ऑफेंडर, तुम कभी क्लास में नहीं बोलती हो, अगर रिपल्सन हो रहा है तो इन सब में किस में बोलती बदलाव, किस में बदलाव हो सकता है? पी वी एन टी किस में? वी में वेरी गुड। और वी में बदलाव होगा तो प्रेशर में बदलाव होगा। अब देखो कैसे, हाँ मैं बता रहा हूं कि ये एक कंटेनर है, ध्यान से सुनते जाना, ये एक कंटेनर है, इसमें गैस पार्टिकल है, गैस पार्टिकल भरा हुआ। तुम बोलोगे ठीक है, हम बोल रहे हैं इसका वॉल्यूम हमने कम कर दिया। क्या कर दिया दोस्त? कम कर दिया। यहाँ पिस्टन विस्टन लगा के इसको दबा दिया। क्या किया? दबा दिया। अभी गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन में इधर उधर भाग रहे थे, अब इसको दबा दिए, अब यहां तक लेके आ गया। अभी भी गैस के पार्टिकल्स रैंडम मोशन में है, लेकिन इनके कोलिजन का जो टेंडेंसी है, ध्यान से सोचना और मुझे बताना, कोलिजन का टेंडेंसी यहां ज्यादा होगा या फिर यहां ज्यादा होगा? ऊपर ए वाले साइड पे या बी वाले साइड पे टकराने की प्रोबेबिलिटी? सर, फिर से एक मुझे एक बात बार बताओ, पहले बताओ। वॉल्यूम इतना था, ये पूरे बक्से के इतना, देख रही हो मृणाली ममता, ठीक है, हाँ और गैस अपना रैंडम मोशन में था, इधर उधर भाग रहा था। अब वॉल्यूम इतना हो गया है और गैस अभी भी वैसे ही भाग रहा है, तो टकराएगा कब, किस में? ए वाले सेक्शन में ज्यादा टक्कर हो सकता है या बी वाले में? बोलो बोलो किस में होगा? सर एक बार फिर से बोलो क्वेश्चन। अरे यार मैं बोल रहा हूं कि ये पूरा बक्सा दिख रहा है, ये वाला पूरा बक्सा, तो इस पूरे बक्से में पहले गैस था और अब इस बक्से हाँ में गैस है, और पहले भी रैंडम मोशन में था, अभी भी ये रैंडम मोशन में, तो टकराने की प्रवृत्ति या टकराने का चांस किसमें ज्यादा हो जाएगा, ये मैं पूछ रहा हूं। बी में किसमें? बी में? आर यू श्योर? यस बिल्कुल। थोड़ा क्यों ऐसा श्योरिटी क्यों आया हम लोगों के पास, बताओ? बोलो बच्चों, ऐसा श्योरिटी हमें क्यों आया? क्योंकि यहाँ वॉल्यूम कम है और टकराएगा ज्यादा, और जो गैस का टक्कर होता है, ध्यान से सुनो, गैस का जो ये टकराना है ना, उसी को हम क्या कहते हैं? उसी को तो हम प्रेशर कहते हैं। उसी को क्या कहते हैं?
प्रेशर कहते हैं। बोलो कोई दिक्कत, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत वाली बात। बताओ किसी को कोई दिक्कत है हाँ तो क्या? हाँ किसी को कोई दिक्कत नहीं है। इसका नहीं। मतलब ये हुआ, इसका मतलब दोस्तों ये हुआ कि अगर हम रियल गैस का बात करें, अगर हम रियल गैस के बारे में बात करें, तो रियल गैस में फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जीरो, सॉरी फोर्स जीरो नहीं होगा, नेट फोर्स वहां पे जीरो नहीं होगा। बोलोगे ठीक ओके सर गॉट इट, ठीक है यहाँ पे जीरो नहीं है। आइए, और जीरो नहीं है तो असर किस में पड़ने वाला है? असर सिर्फ इसी में पड़ने वाला है, देखो इफेक्ट इन कानून वॉल्यूम ऑफ गैस, जिसको वी से डिनोट करते हैं, एन इफेक्ट इन प्रेशर ऑफ गैस। बताओ इसके अलावा और किसी चीज पे असर पड़ने वाला? बोलोगे नहीं सर बिल्कुल असर नहीं पड़ेगा। इसका मतलब मुझे एक बात बताना तुम लोग, ये जो आइडियल गैस है इसमें हम अगर थोड़ा सा छेड़खानी करें तो किस में करना होगा? तुम बोलोगे सर वॉल्यूम एंड प्रेशर में। क्या कहते हो योगेश तारा? क्योंकि तुम देख रहे हो ना रियल गैस आइडियल गैस से कैसे अलग है, थोड़ा सा वॉल्यूम और थोड़ा सा प्रेशर में अंतर है, और तो बाकी सब तो ठीक ही है ना, मोल तो वही रहेगा, यूनिवर्सल गैस कॉन्स्टेंट, टेम्परेचर वही। क्या दोस्तों यही अंतर आने वाला है या नहीं आने वाला है? ब्रूनाली तुम तो बोलो यार, तुम तो बोलो। हाँ सर, हाँ ब्रूनाली कुछ बोलती हाँ नहीं। अच्छा तुम ममता हो ना सर हालात, मैंने। ओके ठीक है। तो अब जो हम इक्वेशन लिखने वाले हैं ध्यान से सुनना, उस इक्वेशन में हम क्या करेंगे, प्रेशर को और वॉल्यूम को थोड़ा सा मॉडिफाई कर देंगे, और वही इक्वेशन हमारा क्या हो जाएगा, रियल गैस इक्वेशन। क्या हो जाएगा? रियल गैस इक्वेशन। आओ करें करें चेंज करें। आओ हाँ हम क्या करने वाले, ये फॉर्मूला कुछ यूं होता है, बड़ा इजी फॉर्मूला है। वैसे मैं बता दूं ये जो इक्वेशन अभी मैं लिखने वाला हूँ ये बहुत ही टफ इक्वेशन है, और आज तक आईआईटी और मेडिकल के इतिहास में इसके ऊपर कभी सवाल नहीं पूछा गया है, कभी नहीं। चाहो तो कोई भी किताब उलट के पलट के देख लो, कभी तुमको नहीं दिखेगा। क्योंकि हम लोग जो पढ़ रहे हैं वो एक टफ टॉपिक है सही मायने में देखा जाए तो, बट मैं ऐसे घोल के पिलाऊंगा कि मजा आ जाएगा। बोलोगे भी मजा आ गया। तो ये है हमारा बंडरवाल्स, सॉरी बंडरवाल्स गैस इक्वेशन या रियल गैस इक्वेशन, इसे क्या कहते हैं, या तो रियल गैस इक्वेशन कह लो या वंडरवाल्स गैस इक्वेशन। या इसे ही कहते हैं रियल गैस इक्वेशन, हर जगह सब चीज के लिए वैलिड है हर वक्त, ठीक है कोई दिक्कत। लेकिन ये किस चीज के लिए है? तुम बोलोगे ये भी सर एन मोल के लिए है ना, एन लिखा है तो किसके लिए गिवन है, फॉर एन मोल। लिखे या नहीं लिखे तुम तो जानते हो, दिख रहा है ना? बोलोगे यस बिल्कुल दिख रहा है। अब यहाँ पे ए और बी तुमको दिख रहा होगा है ना, तो ये ए एंड बी क्या है, वेयर ए एंड बी आर वंडरवाल्स कॉन्स्टेंट। कैसे हैं वंडरवाल्स? कॉन्स्टेंट इस इक्वेशन के ऊपर डायरेक्ट सवाल कभी नहीं पूछेगा वो कभी जीवन में नहीं पूछने वाला। बोलो कोई दिक्कत है? बोलोगे नहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है दोस्तों ओके। अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा हो, अब तुम्हारे मन में एक सवाल आ रहा होगा कि आखिर ये इक्वेशन आया कैसे, कुछ समझ नहीं आ रहा है ना, कि क्या आप लिख के चले गए पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी, है ना, कुछ कुछ चमका नहीं होगा, क्या कहते हो दोस्तों, है ना, चमकाएं क्या इसको, चमकाएं? आओ हाँ सर, इस चीज को समझना पड़ेगा, मैं बोल देता हूं ये जो भी पढ़ रहे हो टॉपिक वो काफी टफ टॉपिक है, चाहे आईआईटी के पॉइंट ऑफ व्यू से हो या नीट के पॉइंट ऑफ व्यू से, इस चीज को समझो और इम्प्लीमेंट करो बस। इस इक्वेशन से तो खैर कभी सवाल नहीं पूछा जाएगा, लेकिन इस इक्वेशन से इनडायरेक्टली सवाल काफी पूछा जाएगा, आपको इसको मॉडिफाई करने के लिए दे देंगे वो सवाल, बहुत सारा चीज देता है। तो क्यों ना हम सबसे पहले ये देखें कि आखिर हमारा इस इक्वेशन में नॉर्मल यहाँ पे वी था ना, हमने यहाँ पे इसको वी माइनस एन बी क्यों कर दिया, पहले ये समझ लेते हैं फिर ये समझ लेंगे कि आखिर प्रेशर की जगह
पहले हमारा क्या था, पी वी इज इक्वल्स टू एन आर टी, लेकिन अब एकदम ही इक्वेशन बदल दिया। तो आओ पहले हम वॉल्यूम के बारे में देखते हैं, इसे क्या कहते हैं, करेक्शन इन वॉल्यूम, क्या कहते हैं दोस्त, करेक्शन इन वॉल्यूम। क्योंकि आइडियल गैस तो करेक्शन भाई आइडियल गैस तो गलत था ना, वो तो कुछ कुछ अपना मान के चल रहा था, तो हम बात कर रहे हैं करेक्शन इन वॉल्यूम। कुछ चीजें मैं यहां पर लिखना चाहूंगा, काइनेटिक थियोरी ऑफ गैस, KTG, है ना, वो क्या बताता था, तुम बोलोगे सर वो बताता था कि वॉल्यूम ऑफ गैस जो है ना वो वॉल्यूम ऑफ कंटेनर के बराबर होगा, ठीक है, और उसमें हम वॉल्यूम ऑफ मॉलिक्यूल को नेग्लेक्ट कर देंगे, करेंगे कि नहीं करेंगे, बोलोगे यस बिल्कुल। अब एक बात बताओ, ये एक बड़ा सा कंटेनर है, यहाँ पे बहुत सारे गैस है, बहुत सारे गैस है, बहुत सारे गैस है, ठीक है, ऐसे 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 बहुत सारे गैस। तो उसमें क्या बोला कि एक मॉलिक्यूल का जो वॉल्यूम है उसको तुम नेग्लेक्ट करो, बोला था कि नहीं बोला था, बोलोगे हाँ बिल्कुल बोला तो था, है ना, वो तो बोला था, ये चीजें बोला था, बट हम यहाँ पे वो काम नहीं करने वाले, यही सब तो गलत चीजें था ना यहाँ पर, वहां पर तो यही सब चीज गलत था, आप कैसे किसी को नेग्लेक्ट कर सकते हो भाई, कुछ भी है तो पहले हम KTG का बात लिख देते हैं कि KTG बोला क्या था, KTG बोला था वॉल्यूम ऑफ गैस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, तुम लोग इज इक्वल्स टू करके लिखना है ना, इज इक्वल्स टू करके लिखना, मैं तो स्टाइल में लिख रहा हूं ना, तुम तो जानते हो, एंड वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल्स हाँ इज नेग्लेक्टेड, है ना, इन कंपैरिजन टू या इन कंपेयर टू, एक मिनट, इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ठीक ठीक है ठीक है दोस्तों, बोलोगे हाँ जी सर सर, ठीक है, बहुत अच्छे, अब सुनते जाइए तो सुनते जाइए ध्यान से, मैं क्या कर रहा हूं, एक बक्सा ले लेता हूँ, ये बोलोगे ठीक है ले लीजिए, इस बक्से में क्या था, पहले गैस, ध्यान से सुनना, इस बक्से में क्या था, ये गैस, पूरा गैस फैला हुआ, ठीक है ओमकार, आर यू अंडरस्टैंडिंग और हाँ सर, प्रिटेंडिंग टू अंडरस्टैंड, नो, आई एम अंडरस्टैंडिंग सर। ओके ग्रेट, यू आर अ गुड ह्यूमन बींग। थैंक यू सर। तो ये है गैस, ये क्या है फ्रेंड्स, गैस। हाँ अब ध्यान से सुनो, ये गैस अपना प्रॉपर्टी कब दिखाता है, कोई भी प्रॉपर्टी, तुम बोलोगे सर गैस अपना प्रॉपर्टी तभी दिखाता है जब उसको खाली जगह दो, वो वहां पे घूमेगा नाचेगा फिरेगा, तब वो अपना प्रॉपर्टी, जो भी प्रॉपर्टी आप देखना चाहते हो दिखाएगा, क्या सही बात है कि नहीं है, हम बोलेंगे हाँ बात तो सही है। हाँ हमने क्या सर, किया, हाँ तो हमने क्या किया, ध्यान से सुनिए, कुछ गैस के मॉलिक्यूल्स को, इसमें जितना भी गैस मॉलिक्यूल था ना, हमने उन सब को पकड़ा और उन सब में से कुछ गैस मॉलिक्यूल को उठा के यहाँ पे कंसंट्रेट कर दिया, तुम बोलोगे ठीक बहुत अच्छी बात, बताइए कोई दिक्कत है, बोलोगे नहीं कोई दिक्कत नहीं। अब ये तो फ्री स्पेस हो गया ना दोस्त, ये क्या हो गया, फ्री स्पेस हो गया, ये क्या हो गया, फ्री स्पेस हो गया, है ना, बोलो मृणाली, ये तो फ्री स्पेस हो गया ना, हाँ यस सर, ये फ्री स्पेस। अब अगर इस गैस को हम छोड़ दें यहां से, ध्यान से सुनो, अगर हम इस गैस को छोड़ दें तो ये यहां से निकलेगा और इसका जो भी प्रॉपर्टी तुमको स्टडी करना है वो कर पाओगे, फ्री स्पेस में आते ही ये उछल कूद मचाने लगेगा। अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं, अगर मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि इस, ये एक्स वॉल्यूम है इसका, मान लो एक्स वॉल्यूम है और ये इसका वॉल्यूम है वी, और मैं यहाँ पे ये बोल दूं कि वी इज वेरी 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 ग्रेटर देन एक्स, तो तुम बोलोगे इसका मतलब वी माइनस एक्स अगर आप करोगे तो ये लगभग वी के बराबर ही हो जाएगा, इन दोनों का चेंज अगर आप लोगे, क्योंकि मैं चाहता हूं कि फ्री स्पेस निकालो, इस कंटेनर का वॉल्यूम वी है, मान लो इस कंटेनर का वॉल्यूम क्या है वी, और हम चाहते हैं फ्री स्पेस कितना बचा, तो तुम बोलोगे पूरे कंटेनर का वॉल्यूम भी था, उसमें थोड़ा सा जगह में एक्स बैठा है,
तो दोनों को माइनस करो तो खाली जगह का मिल जाएगा। अरे हाँ या ना, यस मिलेगा कि नहीं? आंसर तो मैं इसको वी कंटेनर लिख देता हूँ, चलो वी सी, वी कंटेनर। तो मैं बोल रहा हूँ वी कंटेनर माइनस एक्स, क्या हमको वी फ्री स्पेस मिल जाएगा? बोलोगे हाँ। लेकिन क्या मैं यहाँ पे ये नहीं बोल सकता हूँ कि वी टी और वी एफ एस लगभग बराबर है, क्योंकि एक्स का तो मैंने पहले ही बोल दिया कि बहुत कम स्पेस घेर रहा। बोलोगे हाँ बिल्कुल सही बात। अब सेम कहानी छोटे से कंटेनर में, ये छोटा सा कंटेनर लो, ये छोटा सा कंटेनर, यहां पर भी हम एक्स ही ले रहे हैं एक्स, और इसका भी। क्या यहाँ पे हम इग्नोर कर सकते हैं? बोलोगे नहीं, क्योंकि ये कंटेनर बहुत छोटा है, तो यहाँ पे v माइनस x v के बराबर नहीं होगा, है ना, इस v के बराबर। जैसे यहाँ पे v थी और fs, फ्री स्पेस को ही हम मान लिए थे कंटेनर का वॉल्यूम, लेकिन यहाँ पे ये नहीं कर सकते क्योंकि इसका वॉल्यूम अलग आ जाएगा, है ना। पूरे कंटेनर का जो वॉल्यूम है, फ्री स्पेस का वॉल्यूम, उससे अलग आएगा। आएगा कि नहीं आएगा, बोलो दोस्तों, आएगा कि नहीं यस आएगा? तो उन्होंने क्या बोला, सुनो, बंडरवाल साहब ने क्या बोला? उन्होंने बोला कि ये जो इक्वेशन में हम मानते थे ना कि मॉलिक्यूल के पास कुछ भी वॉल्यूम नहीं है, ये नहीं है, वो नहीं है, वो ही गलत था। वो क्या था? गलत था। चाहो तो इस फोटो को, रुको मैं अच्छे से बना देता, तो वो था हमारा गलत, ये एक सही तरीका नहीं था। हम क्या करेंगे अभी बताते हैं। क्या मैं इसे ड्रॉ कर दूं फिर से? बोलो दोस्तों, क्या? ड्रॉ यस कर दीजिए सर। नहीं, देखो ना, ममता ने यस बोला है सर। नहीं सर, मैंने ही बोला है। ओ इधर देखो, इसको मैं लिख रहा हूं, अरे यार एक्स ब्लू कलर से मैं ब्लैक कलर से, इसको मैं बोल रहा हूँ एक्स, इसको मैं भी मैं बोल रहा हूँ एक्स। बताओ मंकी, कोई दिक्कत नहीं? ये है एक्स वॉल्यूम, ये है एक्स वॉल्यूम, ठीक है, ये है फ्री स्पेस, ये क्या है दोस्त? फ्री स्पेस, ठीक है। तो यहाँ पे फ्री स्पेस का वैल्यू क्या होगा, और वी है इसका कंटेनर का वॉल्यूम, क्या है? वी कंटेनर का वॉल्यूम। तो मैं v माइनस एक्स, है ना, जब जब करूंगा तो फ्री स्पेस का वैल्यू लगभग v ही ले लेते हैं, क्योंकि यहां पे मैंने क्या बोला है, v इज ग्रेटर देन एक्स, है ना, वेरी वेरी ग्रेटर देन एक्स, तो सब कुछ लगभग बराबर ही होगा। एक्स को नेग्लेक्ट भी कर सकते हो, कर सकते हो कि नहीं कर सकते हो नेग्लेक्ट? बोलोगे हाँ कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे इसका मैंने वैल्यू v ले लिया, है ना, और ये एक्स, तो यहाँ v माइनस एक्स v के बराबर नहीं होगा, क्योंकि ये जो बर्तन है बहुत छोटा है। बर्तन क्या दोस्त? बहुत छोटा। तो ये जो हम बार बार नेग्लेक्ट कर रहे थे ना स्टैंडर्ड, जो आइडियल गैस में, कि कंपेयर ही नहीं करना है विथ रिस्पेक्ट टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, देख लो, गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लेक्टेड, वॉल्यूम ऑफ गैस मॉलिक्यूल इज नेग्लेक्टेड इन कंपेयर टू वॉल्यूम ऑफ कंटेनर, ये गलत था। ये क्या था हमारा? गलत। अब मुझे एक बात बताओ, अगर यहाँ एक्स वॉल्यूम है गैस का, तो वॉल्यूम अगर एक्स है तो कुछ ना कुछ मोल ऑफ गैस होगा वहां पे? तुम बोलोगे यस बिल्कुल होगा। अरे होगा कि नहीं होगा दोस्त? यस होगा सर, ना, होगा। ठीक है। तो वो बोल रहे हैं कि वहां जितना भी वॉल्यूम था, जितना भी वॉल्यूम था गैस का, उसको आप माइनस करो उस मोल से, है ना, और यहाँ पे बी एक कांस्टेंट आया, यहाँ पे एक बी कांस्टेंट आया। ये बी क्या होता है अभी मैं बता देता हूँ, मुझे बस 2 सेकंड का और टाइम दो। उन्होंने बोला कि वी माइनस एन बी जो है ना, ये एक्चुअली में वो वॉल्यूम होगा, ये फ्री स्पेस का वॉल्यूम, जहां पे आप गैस के बिहेवियर को स्टडी कर रहे हो। तो यहां जो हम बार बार वी ले रहे थे ना, ये वाला वी देखो, ये वाला जो वी ले रहे थे ना, ये कौन सा वी था? हम नेग्लेक्ट कर दिए थे इस सब वॉल्यूम को, छोटे मोटे वॉल्यूम को, लेकिन उन्होंने बोला नहीं, फ्री स्पेस मतलब एकदम फ्री स्पेस, ठीक है। तो फ्री स्पेस की जगह इन्होंने क्या किया, वी माइनस एन बी डाला, एन यानी वही मोल ऑफ गैस जो छोटा सा वॉल्यूम ऑक्यूपाई कर रहा है उस बर्तन में। गॉट इट? अरे गॉट इट दोस्तों, अरे हाँ यार गॉट इट सर, या नहीं गॉट इट, कोई कुछ बोल भी हाँ नहीं रहा। अगर गॉट इट है तो कुछ कुछ पॉइंट लिखो इसको, और इलेबोरेट करते हैं, ध्यान से सुनो, मैं इसको और इलेबोरेट करूंगा, नोट्स डाल के लिखते चलते हैं। क्या मैं कहना चाह रहा हूं, मैं पहला पॉइंट लिखूंगा करेक्शन इन वॉल्यूम, ध्यान से सुनते जाना क्योंकि इसके ऊपर मैं अभी काफी सवाल करूंगा, करेक्शन इन वॉल्यूम। ये क्या था,
ये था वी माइनस एन बी, क्या था वी माइनस एन बी, किस चीज के लिए? फॉर एन मोल ऑफ गैस, फॉर एन मोल ऑफ गैस के लिए था। जो वॉल्यूम हम नेग्लेक्ट कर रहे थे यहां भी उसको कंसिडरेशन में लिया गया। ठीक है, यहाँ पे बी क्या है भाई, बी क्या है? बात किया जाएगा कि सर यहाँ पे बी क्या है वो तो बताइए। तो आइए मैं पहले बी के बारे में बताऊं, ये बी होता क्या है। तो बी होता है 4 इंटू, अभी मैं बताऊंगा कैसे, एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल। क्या है? सिंगल गैस मॉलिक्यूल इंटू एन ए। अब तुमको पूरा ये सिस्टम क्लियर हो जाएगा, पूरा ये लिखो और अभी देखो पूरा सिस्टम ही क्लियर हो जाएगा। ठीक है, लिख दिए। यस ठीक है, सर, ओके। अब एक बार और से समझ लो, यहां पे कुछ गैस के मॉलिक्यूल हैं ममता, ठीक है, कुछ गैस के हाँ सर, मॉलिक्यूल, तो इनका अपना एक वॉल्यूम है, इनका अपना एक वॉल्यूम है, ठीक है, अपना इनका एक वॉल्यूम है, मैं अभी के लिए इसको वी बोलता हूँ, V1 मान लो, और इनका अपना कुछ मोल भी है, मैंने बोला N1, कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर कोई दिक्कत वाली बात। मैं बोल रहा हूं कि हमने गैस के पार्टिकल को क्या स्फेरिकल माना है? तुम बोलोगे जी बिल्कुल माना है, माना है कि नहीं माना है? तो क्या इसका अपना एक वॉल्यूम होगा? तुम बोलोगे हाँ। क्या होगा? 4/3 πr³, उस मॉलिक्यूल का रेडियस, बोलोगे ठीक बिल्कुल माना है, इनटू 4, तुम बोलोगे 4 क्यों? अब बताते हैं क्यों, क्योंकि जब तुम एक गैस मॉलिक्यूल लेते हो, ये एक मान लो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल है, मान लो हाइड्रोजन गैस है, H2 गैस, तो H2 गैस का सेंटर से सेंटर यही होगा ना, क्या होगा रेडियस तो यही होगा दोनों का। तो आप ले लो एक, चाहो तो इसको तुम ड्रॉ भी कर सकते हो, जो मैं अभी बना रहा हूं, सेंटर में आया क्या? तो ये लाल वाला स्पेस तुमको दिख रहा, लाल वाला, लाल वाला गोला सा रेडियस, क्या दिक्कत है भाई, दिख लाल वाला गोला रेडियस दिख रहा है? ये जितना जगह रहा घेरा हुआ है, ये है। जितना जगह घेरा है, उतना जगह एक गैस का मॉलिक्यूल स्पेस में ऑक्यूपाई करने वाला है, क्योंकि वो हमेशा रैंडम मोशन में होता है, या इधर इधर उधर इधर टकराते रहेगा पार्टिकल से, समझ में आया? तो इसके रेडियस का, इसके रेडियस का 4 गुना स्पेस, तो 1 गुना ये हो गया, दूसरा गुना ये हो गया, तीसरा गुना ये हो गया, चौथा गुना ये हो गया, इतना वो स्पेस ऑक्यूपाई करता है। बोलो कोई दिक्कत? इसीलिए हमने यहाँ पे क्या लिखा, 4 इंटू वॉल्यूम, क्या लिखा है हमने, 4 इंटू वॉल्यूम। बोलो कोई दिक्कत? बोलोगे नहीं सर, देखो सर ना, फिर फोर से इंटू एक्चुअल वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस, सिंगल गैस का जो एक्चुअल वॉल्यूम है उसमें 4 गुना ज्यादा, सिंगल गैस का देखो ये था, और इसके रेडियस का 4 गुना, 1 2 3 4, 4 गुना ज्यादा ये ऑक्यूपाई करता। ठीक, तो क्या हमने एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पता कर लिया? तुम बोलोगे यस बिल्कुल पता कर लिया, हमने एक मॉलिक्यूल का पता कर लिया, क्या कहते हो दोस्तों? लेकिन हम एक मॉलिक्यूल से अब आगे बढ़ के अगर इसको एवोगैड्रो नंबर से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो तुम बोलोगे सर आपने अब 1 मोल का वॉल्यूम पता कर लिया, 1 मोल गैस का, क्या कहते हो? अरे यार मैं यस बोल रहा हूं ममता कि मैंने एक बनाना का दाम पता कर लिया है, 5 रुपए, सर, ठीक है, और इसी 5 को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं, तो मैं ये नहीं कह सकता कि मैं 1 डजन का पता कर चुका हूं दाम, 12 × 5 = 60। हाँ सर, तो मैं वही बोल रहा हूं कि मैंने एक मॉलिक्यूल का वॉल्यूम पता किया, और उसको जैसे ही एवोगैड्रो नंबर यानी मोल से, 1 मोल से मल्टीप्लाई किया, तो 1 मोल गैस का वॉल्यूम हमको पता चल गया। बोलो भाई, अब अगर 1 मोल में हम 2 मल्टीप्लाई कर दें, तो तुम बोलोगे सर 2 मोल गैस का पता चल गया वॉल्यूम, अगर इसमें मैं 3 मल्टीप्लाई कर दूं, तो 3 मोल गैस का पता चल गया, अगर मैं इसमें एन मल्टीप्लाई कर दूं, तो तुम बोलोगे सर एन मोल का पता चल गया, क्या कहते हो दोस्तों? यस ठीक है, और अगर मान लो, अगर मान लो यहाँ एन मोल बैठा है, हमें नहीं पता कितना है, अगर मान लो यहाँ एन मोल गैस बैठा है, तो उसका वॉल्यूम तो हमने पता कर लिया ना, क्या इसको हम कहते हैं बी, 1 मोल के लिए क्या कहते हैं बी, और इसको एन से मल्टीप्लाई कर दो, तो इतना गैस तो यहाँ पे
पहले से ऑक्यूपाई कर रखा है, ये पूरा कंटेनर का वॉल्यूम है वी, तो वी माइनस एन बी करेंगे तो फ्री स्पेस का जगह नहीं आ जाएगा। अब बताओ, इजी था या बहुत इजी था? इजी था सर। एक बार और समझाएं, एक बार और, क्योंकि ये टफ टॉपिक में से एक है, मैं पहले ही बता दे रहा हूं। आओ, आइडियल गैस में यहाँ ये वी क्या चीज का होता है? तुम बोलोगे खाली जगह, स्पेस, खाली स्पेस में जहां पे वो गैस उछल कूद मचाए, क्या कहते हो दोस्त? बोलोगे हाँ बिल्कुल, यस ठीक हाँ सर। है, वो खाली जगह। तो यहां पे ये बोला है कि ये खाली जगह सिर्फ आप उन गैसेस के पार्टिकल को इग्नोर करके नहीं कर सकते, है ना? वहां जो गैसेस के पार्टिकल है उनका भी अपना एक वॉल्यूम होता है, उनका भी वॉल्यूम होता है। हमने क्या किया था उसमें, इस चीज को तो निगलेक्ट ही कर दिया था। हमने बोला भाई उस सब का कुछ नहीं होता, अब पूरा बर्तन का ही ले लो वॉल्यूम, बर्तन जितना खाली उतना में गैस। लेकिन ऐसा नहीं होता है, ऐसा नहीं होता, गैस के अगर एक दो पार्टिकल भी वहां पे हैं तो उनका भी वॉल्यूम लेना पड़ेगा। हमने क्या किया, हमने बोला ठीक, हमने एक का पहले पता किया वॉल्यूम, तो 4/3 πr³ आ गया। बोलो कोई दिक्कत? एक मॉलिक्यूल का, उसको हमने 4 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि वो अपने 4 गुना ज्यादा स्पेस को ऑक्यूपाई करता है। सबने बोला ठीक, ये हमें एक मॉलिक्यूल का पता चला, एक का, इसको हमने मोल से मल्टीप्लाई किया तो अब हमें 1 मोल का वॉल्यूम पता चल गया। और इसी को अगर मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूं, अच्छा इस चीज को किससे डिनोट करते हैं, इसको हम बी से डिनोट करते हैं, किससे? बी से। अब अगर इसी बी को मैं एन से मल्टीप्लाई कर दूं तो क्या मुझे एन मोल का वॉल्यूम पता चल गया है? बोलोगे हाँ बिल्कुल। तो एन मोल का जब हमें वॉल्यूम पता चल चुका कि एन मोल यहाँ, एन इंटू बी यहाँ पे ऑक्यूपाइड है, तो वी माइनस एम बी करते ही हमें फ्री स्पेस मिल जाएगा। क्या कहते हो दोस्तों, जी योगेश सर। दादा? ठीक है, अब मुझे एक बात और बताना, क्या ये बी हमें साइज ऑफ मॉलिक्यूल के बारे में भी बताएगा? बोलोगे हाँ, क्योंकि जब वो वॉल्यूम बता रहा है तो जिसका रेडियस जितना ज्यादा है वो साइज भी तो बता रहा है बी। क्या कहती हो? ठीक है, और एक चीज और बताना, ये बी का मतलब तो ये भी हुआ ना, इस वॉल्यूम को हम इसमें एक्सक्लूड नहीं कर रहे हैं, ये इसको नहीं कर रहे हैं एक्सक्लूड, सॉरी इसको इंक्लूड नहीं कर रहे हैं, इसको हटा के बात कर रहे हैं हम, इसको हटा के बात कर रहे हैं हम, बी में सिर्फ इसका बात कर रहे हैं जो ऑक्यूपाइड है ऑलरेडी, हम फ्री स्पेस का बात नहीं कर रहे। बोलो दोस्तों। जी जी हाँ सर। ठीक है, अगर आपका आंसर जी है ना, तो जी का वैल्यू बताओ। तो इसमें इसमें देखो, यहाँ पे मैं लिखने वाला हूं वेयर बी, बी क्या है यहाँ पे, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस। एक्सक्लूडेड मतलब इसको हम हटा देते हैं क्योंकि ये फ्री स्पेस नहीं है, बी मतलब तो ऑक्यूपाइड जगह है ना, बी मतलब ऑक्यूपाइड जगह है भैया, वहां पे गैस कुछ नहीं कर सकता, वहां तो पहले से गैस के मॉलिक्यूल, क्या बी मतलब तो यही है ना, तो उसको हमें एक्सक्लूड करना पड़ेगा अपने इक्वेशन से। तो देखो हमने हटा दिया ना, हटा दिया, माइनस मतलब क्या होता है, हटाना। अरे भाई गैस में ये पार्टिकल सर है और ये बी नाम का बैठा हुआ पहले से वॉल्यूम, तो इसको हटाना पड़ेगा ना अपने को, तो हमने माइनस कर दिया। क्या कहती हो मृणाली, ममता? तो ये हाँ होता है सर हाँ सर एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, ये क्या होता है, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम। देखो टफ टॉपिक है इसलिए प्रेम से समझना है। अगर बी का मैं बात करूं तो बी कितने के लिए हमने कैलकुलेट किया, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको मैं करूंगा बक्से में कैद, क्योंकि अभी जितना भी सवाल देंगे सब इसी के ऊपर होने वाला है सॉल्व, इसलिए तुम लोग भी इसको बक्से में कर देना कैद। तो मैं बोल रहा हूं कि बी हमने कितना वॉल्यूम पता किया है, तुम बोलोगे सर आपने 1 मोल का पता किया, बी मतलब 1 मोल का गैस का वॉल्यूम। देखो ना एन ए मतलब क्या होता है, 1 मोल, याद रखना जी बी मतलब होता है 1 मोल का गैस, 1 मोल का वॉल्यूम, है ना, जिसको क्या करना है, एक्सक्लूड करना है, हटा देना है फॉर्मूले से, क्या करना है, हटा देना है। तो क्या मैं इसे लिख सकता हूं, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम, एक्सक्लूडेड वॉल्यूम ऑफ गैस फॉर 1 मोल, फॉर 1 मोल, हाँ या ना, लिख सकते हैं। और मैं ये भी लिख सकता हाँ हूं, मैं यहां पे अब ये भी लिख सकता हूं कि बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइज ऑफ मॉलिक्यूल, जिस मॉलिक्यूल का साइज बड़ा हो जाएगा उसका बी का वैल्यू ज्यादा, वैसे आर क्यूब होता है तो और भी ज्यादा होगा, बट उतना अपने को डिटेल में नहीं जाना है, बट साइज बड़ा होगा तो बी का वैल्यू ज्यादा हो जाएगा। बोलो दोस्तों, जी सर अगर बी का वैल्यू ज्यादा हो गया तो अपना जो वॉल्यूम है ना, ये वाला वॉल्यूम, ये तो कम हो जाएगा फ्री स्पेस का, फ्री स्पेस वाला वॉल्यूम तो कम हो जाएगा क्योंकि ज्यादा चीजें निकल जाएगी। तुम बोलोगे ठीक,
एकदम सही बात है। और बी का वैल्यू मैंने अभी कैलकुलेट करके दिखा ही दिया, कितना होता है, बी इज इक्वल्स टू होता है 4 × 4/3 πr³ है ना, (NA). ऊपर मैंने लिखा ही है आर क्या होता है, रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल, में लिख दूं क्या, रेडियस ऑफ गैस मॉलिक्यूल। योगेश समझे क्या? हाँ सर, ठीक है, अब इसके ऊपर सवाल जब तक नहीं करेंगे ना, तब तक ये चीजें ब्रेन में नहीं जाएगी, और ममता के तो वैसे भी नहीं जाएगी। तो आओ सवाल ले लेते हैं एकदम, हाँ है सर ना, ले लीजिए सर। ले लो भाई। ठीक कल कल बोलना, कल बोलना है ना, तुम्हारा नेटवर्क आज सही नहीं है, कल ये सब बातें कल होंगी। यू यू हैव अ वेरी वेरी है पुअर नेटवर्क। अरे सच में गंदा नेटवर्क है, पूछ लो किसी से, आवाज नहीं आ रहा, या रिकॉर्डिंग सुन लेना, कितना रिकॉर्डिंग सुन शिवर लेना, होगा रिकॉर्डिंग। हो सकता है डर की वजह से वो कांप रहा होगा, और नेटवर्क का बहाना है ना। हो भी सकता है सर, कह नहीं सकते। मेरा लेकिन एक बात हम बताएं तुमको मृणाली, देखो हाँ ओमकार सर, छोटा सा मोटा सा प्यारा सा बच्चा अकेले घर में रहता है, और क्लास में उसको सब लोग बहुत परेशान करते हैं, तो घर में कितना दुखी होकर रोता होगा, तुम जरा सोच के देखो। क्लास वही तो। में सब उसको बुली बुली करता देखियो है, सर, फिर से रो रहा है। चूहे की तरह, है ना। छोटे बच्चे भी ऐसे नहीं रोते, खुल कर अरे वो तो रोते बानर की तरह रो रहा। हैं। नहीं, भेड़िए सर पहली बात, मैं रोता ही नहीं। कोई फिर अभी दिक्कत क्या नहीं, बता। इसका आंसर तो दो दोस्तों, इसका मैं जल्दी सर, से आंसर दो। देखो वो मैं रोता दूसरा नहीं है, क्वेश्चन, वो रोती ठीक है ठीक है, है। मंकी आंसर दो भाई, मैं दूसरा सवाल यहीं पे लिखता हूँ। ऐ आंसर दे सर, तुला मानता है बे सर। तुला मन जल्दी ले जल्दी सर। दोस्तों, जल्दी जल्दी, क्योंकि देखो ये टॉपिक टफ है ना, तो इसलिए हम नहीं चाहते कि इसी को पढ़ाते रह जाएं पढ़ाते रह जाएं, है ना, तो गलती हो जाएगा। जल्दी पहला वाला क्वेश्चन का जवाब दो तो, ममता जल्दी से बताओ, इसमें तो कैलकुलेशन भी नहीं करना, चलो बोलो। थ्री थ्री क्यों भैया, थ्री क्यों, क्योंकि एक चीज याद रखना, अगर तुम इसमें एटॉमिक वेट का कंसिडरेशन लेके चलते हो तो आंसर हमेशा गलत होगा। हम एटॉमिक वेट नहीं देखेंगे, हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल का रेडियस। इसमें कितने एटम है, दो अच्छा एटम, कितने हैं, दो एटम, मैं दूसरे कलर से लिखता हूँ। तब तक दूसरा सवाल सॉल्व करो जिनसे हो गया। इसमें दो एटम है, कितना है, दो एटम, इसमें कितने हैं, दो एटम है ना, इसमें कितने हैं, ठीक। दो एटम है, ठीक है, इसमें कितने हैं, तीन एटम, तो इसका साइज बहुत बड़ा होगा, क्या होगा, बहुत बड़ा, और साइज के ऊपर डिपेंड करता है, तो आंसर क्या, मृणाली हो गया ये वाला। बी किसके ऊपर डिपेंड करता है, अभी अभी मैंने लिखा बी डिपेंड सॉल्व साइज, साइज ऑफ मॉलिक्यूल। देखो मृणाली नहीं हुआ क्या, समझ नहीं आया। समझा ओके गई। आर्यन, क्वेश्चन नंबर टू, क्वेश्चन नंबर टू जल्दी बताओ, ये भी बहुत इजी है, इसके बाद एक और सवाल देंगे, जल्दी करो, लिख लिए भाई, मुझे सवाल मेरी लिखना है, रुकिए मुझे सवाल लिखना तो, है, तुम समझ रुकिए नहीं रही आप हो ना, सवाल। नहीं सर रुको, मैं सवाल लिखूं क्या, नहीं अरे नहीं नहीं की आर्ट्स और बच्ची, स्टैंडर्ड ग्रेड
सैटर्न, नहीं ग्रेट ट्री सैटर्न। ठीक है रुको, मुझे एक क्वेश्चन लिखने दो पहले। क्या सर, क्वेश्चन भी नहीं लिखने देते पूरा? नहीं लिखने देंगे, बिल्कुल नहीं लिखने देंगे। आंसर दो। एन मॉलिक्यूल ऑफ गैस, क्वेश्चन बाद में लिखना। है सर, मैं हाँ ओमकार पीडीएफ, जी की स्टूडेंट नहीं हूँ। पीडीएफ मैं अपलोड कर दूंगा। सर सेकंड का आंसर सी है क्या? सच बोलो सर। हाँ हो गया। मुझे पता है कि तुम हमेशा गलत निकालती हो, बट इस बार आंसर सही है तुम्हारा। दोनों सही निकाले सर, हमेशा गलत नहीं निकालती, तो वो एक तो काम करो ना, कभी मोहल्ले में लड्डू मिठाई कभी। बंटवा दो। नहीं, इतनी जल्दी नहीं। भाई लाखों करोड़ों साल में आंसर आया है तुम्हारा सही। कोई सर ऐसा क्या रिकॉर्डिंग है, हमेशा तो सुन आता ही लो, जल्दी से आंसर दो दोस्तों। इसको इसका बोल रहा, वॉल्यूम ऑफ सिंगल गैस मॉलिक्यूल इज वी नॉट। बहुत अच्छी बात, सिंगल गैस का वी नॉट है, इसको मोल से मल्टीप्लाई कर दो और 4 से मल्टीप्लाई कर दो, ये हमको क्या दे देगा, बी का वैल्यू। क्या कहते हो योगेश दादा, यही था ना बी का वैल्यू, एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम इंटू मोल इंटू 4। तो आंसर मेरे हिसाब से सी आना चाहिए, और मंकी ममता के हिसाब से भी, है ना। आगे बढ़े, लास्ट सर क्वेश्चन करे करे, इसमें कोई दिक्कत तो नहीं है। आगे आओ, बोल रहा है हाँ एन सर, मॉलिक्यूल ऑफ गैस हैज वॉल्यूम वी नॉट। देखो एन वॉल्यूम, एन गैस का कितना वॉल्यूम है, वी नॉट है, नॉट तो एक गैस मॉलिक्यूल का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, वी नॉट बाई एन। हो गया, एक गैस का बाय आ गया ना, एक गैस का आ गया, तो बी बराबर क्या होगा, 4 इंटू एक गैस का वॉल्यूम इंटू एवोगाड्रो नंबर। हो गया खत्म, बी का वैल्यू आंसर आ जाएगा, डी खत्म। और हाँ इजी योगेश, सर। यस बी समझ में आ गया। बी के लिए याद रखना कि ये किसके ऊपर डिपेंड करता है, साइज के ऊपर, है ना, याद रखना। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।